उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो आप पहन के कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं आप वो पहनिए, जो आप पे अच्छा लगता है वो पहनिए। जी, आज जो मैंने ये आउटफिट पहना है, इट्स कॉल्ड सारी गाउन, जो जुलेखा का क्रिएशन है, वन ऑफ जुलेखा क्रिएशन, एंड आई लव द कलर एंड आई थिंक इट रियली लुक्स वेरी गुड ऑन मी द आउटफिट। मेरा फैशन मंत्रा यही है दैट किसी भी फैशन ट्रेंड को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, जो आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो आप पहन के कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं आप वो पहनिए, जो आप पे अच्छा लगता है वो पहनिए। जस्ट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, जस्ट बी कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर वेयरिंग एंड वट एवर यू आर वेयरिंग वेयर इट विद कॉन्फिडेंस। अभी का जो कलेक्शन, वेल बहुत सारे मुझे यहाँ पे उनके जो गाउन्स है, उनके जो सारी गाउन्स है, इवन द इंडियंस, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनका जिस तरीके का कट उन्होंने दिया है अपने आउटफिट्स को, बहुत ही बॉडी फ्लैटरिंग है। इट जस्ट टेक्स योर बॉडी शेप एंड यू नो इट लुक्स ऑसम ऑन यू। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, इट जस्ट फिट्स यू सो वेल दैट यू नो आपका, आई मीन इट जस्ट फ्लॉन्ट्स योर कर्व्स एंड हर क्लोथ्स। या दूरियां तो नहीं, बट मैं कुछ भी ऑफर्स तो बहुत आए हैं, बट मैं कुछ भी ऐसे नहीं करना चाहती थी कि अच्छा ठीक है बहुत टाइम हो गया है स्क्रीन पे नहीं आए हैं तो जस्ट डू समथिंग, मुझे वो नहीं करना था। आई वांटेड टू डू समथिंग विच आई वुड फील हैप्पी डूइंग एंड आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग वन फिल्म नाउ, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, विद शर्मन एंड वीर दास। इट्स अ कॉमेडी एंड उसकी शूटिंग अराउंड मार्च में शुरू होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वेल यू नो एज आई सेड ऑफर्स आते रहते हैं, बट टिल द टाइम इट डजंट मटीरियलाइज इट्स नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट। सो थैंक यू। ब्यूटीफुल लाइन ऑफ क्लोथिंग हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, बहुत बहुत खूबसूरत गारमेंट्स हैं। मैं भी जुलेखा का क्रिएशन पहन रही हूँ एंड आई लव न्यू यंग डिज़ाइनर्स हु आर डूइंग डिफरेंट स्टफ, क्योंकि मुझे कपड़े बहुत पसंद हैं। जी अमंद्रिया, हमेशा से देखा गया है कि आप जो फैशन फॉलो करती है वो यूनिक होता है, सबसे अलग होता है, तो क्या उसके क्या राज है, खास है क्या? कोई राज नहीं है, मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मेरा बॉडी उस वक्त कैरी ऑफ कर सकता है। अगर मैं थोड़ी मोटी फील कर रही हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, अगर मैं ठीक ठाक लग रही हूँ, अपने दिमाग में फील कर रही हूँ कि आई एम फीलिंग लाइक एट अ गुड वेट, तो मैं ड्रेसेस पहनती हूँ। बस ऐसा कोई राजवाज नहीं है, जो मेरे दिमाग में है उस वक्त और जो जिस लेवल ऑफ फिटनेस पे मैं हूँ उस हिसाब से मैं ड्रेस करती हूँ। बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, वेरी वेयरेबल। ये जो उनके ड्रेप्स हैं बहुत कुछ डिस्गाइज करते हैं, तो आई थिंक हर लाइन विल डू वेरी वेल और आई विश हर ऑल द बेस्ट। I have a 3.5-year-old son, so I'm going to make sure we go to see Santa Claus wherever we can. And uske alawa New Year's bas chote group mein khas doston ke saath manaya jayega. Thank you. So, honestly, I wanted to start my own venture, and my husband has been really supportive. So I thought, let me take it forward because my kids have grown up now. And I wanted to just take it forward, so I thought of doing this launch. And Zulekha, India ki youngest designer ka tag de sakte hain aapko? Nahin, I think there are a lot of designers who are much younger than me. Yeah, but I hope, young very young. She's yeah, a young Inshallah, I plan to open a store. I thought if I get a good response, then inshallah I'll open a store very soon. But I have a studio right now where I'm working from. So I hope Allah is great and I take it forward from here.